गिरदगंज से हमारे संवाददाता राकेश गौर की रिपोर्ट। कौला पुल फिर हुआ जलमग्न, भोपाल सागर मुख्य सड़क मार्ग बंद, यात्रियों समेत मरीजों को करना पड़ रहा है काफी परेशानियों का सामना। गिरदगंज तहसील क्षेत्र सहित भोपाल सागर मुख्य मार्ग अपनी यात्रा करने वाले यात्रियों को बीनापुर ग्राम के पास स्थित कौला पुल अभिशाप बनकर सामने आ रहा है। लगभग 7 वर्षों से अधूरी अवस्था में पड़ा इस पुल को बनाने के लिए शासन और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इस पुल को बनाने वाले ठेकेदार कार्यों को लंबित अवस्था में छोड़कर गायब हैं। शुक्रवार की सुबह से हुई तेज बारिश ने एक बार फिर आवागमन बाधित कर दिया है, जिससे भोपाल सागर मार्ग यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन मंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री को 6 माह पूर्व कार्य पूर्ण करने को दिया गया था आश्वासन। कौला पुल पर टूटने के बाद 6 वर्ष जैसे तैसे पुल के निर्माण के लिए लोक निर्माण ने करोड़ों की लागत से टेंडर पास किए और कार्य प्रारंभ करने के लिए 2016 में वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर सहजवाल लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह राजपूत के कार्य का शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में आमजनों को बुलाया गया। दोनों ही मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए ठेकेदार से 2017 तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया, पर ठेकेदार ने मंत्रियों को झूठा आश्वासन दिया और 18 माह बाद भी पुल का निर्माण 10% भी नहीं हो सका। मध्य प्रदेश शासन के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में ठेकेदार द्वारा दिया गया आश्वासन कि उस समय पूरे क्षेत्र में देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। जो सड़क मंत्री जी ने विज्ञापन में पक्की बताई, गांव वालों ने उसे जमीनी पक्की बनाने के लिए रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाए। यह मामला स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी को ने 13 जून को अपने जन्मदिन पर जिस सड़क को पक्की बताकर उपलब्धि बताया था, उसी सड़क को बनवाने के लिए अब गांव वालों ने इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आंदोलन छोड़ दिया। गांव में जगह जगह पहले रोड फिर वोट के बैनर लगे हुए हैं। स्कूली शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशी ने 13 जून को अपने जन्मदिन पर जिस सड़क को पक्की बताकर सरकार की उपलब्धियां बताई थी, उसी सड़क को जमीन पर बनाने के लिए गांव के कुछ लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन छेड़ रहे हैं। गांव में जगह जगह रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगे हुए हैं। मामले में भाजपा का ही जनपद प्रतिनिधि कल्याण सिंह मीणा एवं दीपक मंत्री जोशी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कल्याण सिंह मीणा मंत्री ने पूछ रहे हैं अपने 13 जून को जन्मदिन पर अखबारों में जो विज्ञापन दिया था उसमें डबल चौकी ग्राम बराय रोड को पक्की बता दिया था, जबकि उसका तो निर्माण ही नहीं हुआ है। पहले तो मंत्री जी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बताए गए रोड का निर्माण की बात करते रहे, लेकिन जब मीणा उन्हें बताते गए कि वायरल हुआ है, पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। मंत्री दीपक जोशी बार बार यहां से विधायक हैं, 2 बार यहां से विधायक हैं। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि कई बार मंत्री जी ने अपनी कोई सुध नहीं ली। इस बार इन 4 सालों में इन्होंने यहां आना तक मुनासिब नहीं समझा। इस क्षेत्र के अनेक ग्रामीणों की परेशानियों को अवगत कराते हुए भी वो आंख बंद करके बैठे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अंतर हार कर उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री होने के नाते नैतिक दायित्व बताया है उनकी विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दी जाए, लेकिन सड़कों की हालत को तरह नव निहालों और स्कूलों की हालत से बदतर नजर आई है। क्षेत्र के ग्रामीण अपने बच्चों को भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी हैं इस बात को लेकर के। स्कूल जाने में हम पानी में गिर जाते और पानी में से निकलते और स्कूल में कुछ भी बैठने की जगह नहीं है। अच्छा, परेशानी ये है कि ये जो गांव का मेन मुख्य मार्ग है इसी पे साल भर पानी भरा रहता है। स्वच्छता के नाम पे जो मोदी जी चला रहे भारत स्वच्छ अभियान, उसका कुछ भी यहाँ हमारे गाँव में नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, स्वच्छता के नाम पे कोई नहीं है। सब यहाँ स्लोगन लिख देते हैं स्वच्छता के, पर काम कुछ भी नहीं। निचले स्तर पे जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं। गांव में 500 रुपया को भी लाभ कोई के नहीं मिलियो आज से आज तक, ना कोई मिले कहीं भी नहीं मिलियो। यहाँ की जगह बिल्कुल 0% में है यह पंचायत। अच्छा, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ? 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ इस गाँव में। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो कितने आवास बने हैं यहाँ? एक भी है ही नहीं। कोई अगर सबूत बता दे तो हम गांव का गुनहगार, एक भी नहीं है। तो शादी में आया था खाली हारने जो बजाता है, उसके बाद में गया तो पाछे ही नहीं आया। वो क्या क्या आश्वासन दिए गए थे उनको? आश्वासन तो बहुत दे गया उनने, आश्वासन ये दिया तो हमारे गाँव में कि ये दीपक जोशी एक ऐसा विधायक आया है, तुम इस दीपक में तेल डाले जाओ, मैं उजाला ही उजाला कर दूंगा इस गाँव में। तो उनने इंदारो कर दिया आया। गांव में अंदर जाने के लिए इतना पानी है, घुटने पानी है जी, निकला ही नहीं। अभी भी आप देखोगे उसमें निकलाता नहीं है। पाँव दूसरे के मकान में होके जाते हैं,
बारिश के समय में समस्या आती है। हाँ, बारिश में, बारह महीना समस्या है, बारह महीना। और क्या समस्या है? सीहोर से हमारे संवाददाता कवि छोकर की रिपोर्ट। रहटी वन पर क्षेत्र में ग्राम खैरी की नहर में गिरे 3 हिरण। वन विभाग इलाज के दौरान उनकी तीनों की मौत हो गई। इलाज के लिए लेकर आए, उनका काफी इलाज किया, लेकिन एक हिरण ने दम तोड़ दिया था। इलाज के दौरान 2 हिरणों की मौत हो गई।